नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऐसी न्यूज पर। मैं हूँ शाहिन खान। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राधिका नगर स्थित तो गांधी विद्यापीठ स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए शाही नगर विधायक रिकेश सेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बनने के बाद किए गए जनहित के कार्यों का उल्लेख किया। इस दौरान विधायक रिकेश सेन ने 21 जनवरी की रात शारदा पारा में गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर हुए विवाद में शिवम साव हत्याकांड के 5 आरोपियों के घर पर 28 जनवरी को बुलडोजर चलवाने की घोषणा की। और है आजू बाजू कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्वों के लड़कों का भी यहाँ पे आवागमन है। कुछ जो खाली गार्डन पड़े हुए हैं जिसमें गार्डन बन गए हैं, गार्डन का निर्माण नहीं हुआ है, उस जगह पे भी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगा है। ये बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए जब मैं चुनाव जीता 3 तारीख को, तो दूसरे दिन तो सबसे पहले मैं प्रतिद्वंदी थे यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे मुकेश चंद्राकर जी, उनके घर में सबसे पहले सुबह सुबह मैं चाय पीने पहुंचा, क्योंकि 3 को रिजल्ट आया और 4 को सुबह उनके घर में मैं चाय पीने गया और मैंने कहा मैं विकास करने निकल रहा हूँ, आप सबका मुझे साथ चाहिए। मैं जब उनके घर से निकला तो मैंने कलेक्टर साहब को फोन किया, मैंने कहा कि मैं अभी दुर्ग से निकल रहा हूँ प्रत्याशी जी के घर से, जब मैं नेहरू नगर चौक पहुंचू तब तक जितने चकना सेंटर है शराब की दुकानों में सब पे बुलडोजर चल जाना चाहिए। अब बुलडोजर चला, सभी चकना सेंटर को मैंने समाप्त किया। दूसरे दिन मैंने तय किया कि जितने भी आप लोग माता बहने यहाँ पे सब हमारी भाभी लोग भी उपस्थित है, हमारे आदरणीय सभी लोग बैठे हुए हैं, जब भी आप लोग किसी धार्मिक स्थल पे जाएं, तो आपको कहीं पे भी खुले में मांस मटन मछली बकरा कटते हुए ना दिखे, मैंने तय किया। और 5 तारीख को सब पे मैंने बुलडोजर चलाया। अब वैशाली नगर विधानसभा में कहीं पे भी खुले में खून बहते आपको कहीं पे दिखेगा नहीं, व्यवस्थित मार्केट में ही ये सारा चीज होगा। इसी प्रकार से संडे बाजार आप सब लोग जानते होंगे, एक बहुत बड़ी समस्या थी संडे बाजार की। मैंने एसपी साहब को फोन किया कि कल मुझे संडे बाजार से ना फायर ब्रिगेड गाड़ी जा पाती है, ना वहां से एम्बुलेंस जा पाती है, इस मार्केट को व्यवस्थित करना होगा। मुझे एसपी साहब ने कहा संडे मार्केट को व्यवस्थित करने के लिए कम से कम 1,000 की फोर्स चाहिए और वो जब फोर्स होगा तभी मैं आपको जाने दूंगा, उससे पहले आपको भी जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं जाता हूं, कल सुबह मिलते हैं। शाम को ही मैं निकल पड़ा अकेले व्यवस्थित करने और उसका नतीजा ये है कि आज 1 महीने से संडे बाजार व्यवस्थित हो चुका है। अब फायर ब्रिगेड गाड़ी भी जाती है और अब एम्बुलेंस भी वहां से गुजर पाती है और मार्केट के लोगों ने मेरा सहयोग किया और संडे बाजार को दूसरी जगह उस मार्केट से हटा के दूसरी जगह उन्होंने व्यवस्थित किया। अभी 21 तारीख को एक घटना हुई, एक 12वीं का छात्र है जो शकुंतला विद्यालय में पढ़ता था, उसका नाम था शिवम साव। उस बच्चे की कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ अपराधियों ने गाड़ी को आगे पीछे करने के चक्कर में 5 लोगों ने मिलकर उसके निर्मम हत्या कर दी। 21 तारीख की बात है। मैंने तय किया है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी घटना चाकूबाजी की हुई, एक भी हत्या हुई, किसी ने भी हमारी बहू बेटी हमारे बच्चों के साथ कोई छेड़खाने की कोशिश की, तो सबके घर पे बुलडोजर चलेगा। और 28 तारीख को वैशाली नगर विधानसभा इतिहास रचने जा रहा है। जिन लोगों ने शिवम की हत्या की है उन सभी 5ों के घर को मैं तबाह कर डालूंगा, बुलडोजर चला दूंगा।